आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब स्थानीय लोगों की चर्चाएं जनप्रतिनिधियों के लिए विकास कार्यों को लेकर तूल पकड़ रही है। स्थानीय लोगों की समस्या और उनके मुद्दों को जानने के लिए हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी ओपीएस भदौरिया के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। TV24 टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रोन तहसील के अंतर्गत, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में यहां से ओपीएस भदौरिया मंत्री भी हैं और उनका ये विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां के रहवासियों को क्या समस्या है, इनकी समस्याओं से हम आपको अवगत कराएंगे और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों तक इनकी समस्याओं को पहुँचाएंगे और इनसे जानेंगे इनको आखिर समस्या वो क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो उनको मिल रही हैं या फिर ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? एडवोकेट अरुण त्यागी जी। क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या पानी की, तीसरे दिन नाल ले रहे जी, और लाइट की है जहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर से DP से आ रहा है, ये तार डरे तो कभी लाइट 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्लाई नहीं हो रही। इसकी आपने समस्या क्या है, शिकायत नहीं की कहीं? शिकायत कम से 2 बार DP पास भाई, पता नहीं कौन लेगा कहाँ गया जहाँ से, पूरी जनता 2-4 बार गई भी है विभाग पर, कह देते धर जाएगी बस आश्वासन दे के झूठे चले जाते। और जी जो साफ सफाई है इसका? साफ सफाई की आप देखते रहे से, हमें जो सब नाली भरी पड़ती है निकाल गए, अब जो कचरा निकलेगा कल परसों तक अंदर उसी में फिर चला जाएगा। तो इसको भरने के लिए नहीं आती कर्मचारी? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया, 6-7-8 महीना से गाड़ी नहीं आई, पहले 8 महीने से कचरा भरा ही नहीं जाता, भरा ही नहीं गया कचरा। आपका क्या नाम है दादा जी? क्या समस्या आ रही है आपको? नल पानी की, बिजली की, रास्ता की जाके लाए पूरा। बिजली की क्या समस्या आ रही है? बीपी धरी 3 फुट लम में। अच्छा, यहाँ मजा है घर में। कितने घंटे बिजली मिलती है आपको? मिल गई 24 घंटा में 4-6 घंटा। तो फिर ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये कैसे होती है, कैसे पढ़ते हैं? पढ़ाई ऐसी है भाई, लाए मोबाइल भोबाइल धक्का रहेगा और कैसे होगा। स्वास्थ्य की सुविधा क्या है यहाँ? अच्छी सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की। ये लोग हैं, लोगों ने अपनी समस्या बताया कि हमारे घर पे मीटर तो लगा दिए गए हैं, बिल तो थमा दिया जाता है, लेकिन बिजली 24 घंटे में मैच 2 से या 4 घंटे ही मिलती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जाने इनकी क्या समस्या है, क्या इनकी मंत्री विधायक जो भी यहाँ के हैं वो इनसे मिले, कभी इनकी समस्याओं को जाना, इनका हालचाल जाना, या फिर मैच सिर्फ वोटों के लिए ही यहाँ आते हैं। ये क्या नाम है आपका? जी क्या समस्या है आपकी? हमारी कुछ समस्या नहीं, जी समस्या है कि मतलब पानी हो जाए मसाकते हो सब लोग को मिले, और दूसरी बात है लाइट बिल्कुल 5-5 मिनट में आती जाती रहती है, ठोक है गर्मी के मारे बाहर बैठे रहते हैं पेड़ों के नीचे, हवा काट रहे हैं क्या करें बताओ, और सफाई साफ सफाई कोई होती नहीं, जिन लियाकत करेगा और ना उस कचरा भरे ना कर दूबई में फिर वापसी चला जाता है, और काफ़ी समस्या है कि हमारे रास्ता नहीं हो रहा हूँ बिल्कुल रोड़ा खत्म में। अच्छा, यहाँ कुछ दूरी पे मरघट है, मरघट के लिए जाने के लिए क्या रास्ता है? मरघट के लिए कोई रास्ता नहीं। कैसा पड़ा है रास्ता, कैसा बना है आप देख सकते हैं? रास्ता कैसा नहीं, उबड़ खाबड़ है कि RCC डली हुई है, क्या है? भूरे पड़े गंदगी पड़ी कठिन। तो ये वार्ड क्रमांक 7 था रोहन का, जहाँ आज हम पहुँचे थे और हमने यहाँ लोगों की समस्याओं को जाना, उनसे हमने कहा भी है लेकिन हमारी समस्याओं को सुना नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं और फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चलते बने। TV24 के लिए आदित्य द्विवेदी भिंड।